हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 को जन्मे जाकिर हुसैन सिर्फ 8 साल के थे तो पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। जवान हो रहे जाकिर जब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे तो आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, पढ़ाई छोड़ दी और महात्मा गांधी की टोली में शामिल हो गए। वो जब सिर्फ 29 बरस के थे तो जामिया मिलिया के वाइस चांसलर बने। गांधी जी ने उन्हें देश में बुनियादी शिक्षा के ढांचे को दुरुस्त करने का काम सौंपा। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर उन्होंने शानदार काम किया। डॉक्टर हुसैन ने देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर असर डालने वाली अनेक किताबें लिखीं। उनकी प्रतिभा को देश ने पहचान लिया था। 1952 से 57 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद 5 साल वो बिहार के राज्यपाल रहे। 1962 में वो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति चुने गए। अगले ही साल वो भारत रत्न का सम्मान पा चुके थे। 13 मई 1967 को वे देश के तीसरे राष्ट्रपति चुने गए। I pledge my loyalty to my country, irrespective of region or language. I pledge myself to work for its strength and progress. The whole of Bharat is my home and the people are my family. राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन शानदार पारी खेल रहे थे। देश को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। अचानक 13 मई 1969 को डॉक्टर हुसैन उस सफर पर चले गए जहां से लौटकर कोई नहीं आता। सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश और दुनिया को अपने ज्ञान और कौशल से सम्मोहित कर लिया था। रुखसत ए बागबान के टुक देख लें चमन, जाते हैं वहां जहां से फिर आया न जाएगा।